अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में आज विश्वविद्यालय में मेरठ कॉलेज के छात्रों के दो गुटों में जमकर कहासुनी के बाद मारपीट हुई। बाद में मेरठ कॉलेज के छात्र फायरिंग करते हुए भाग निकले। सीसीटीवी में कैद इस घटना में विश्वविद्यालय में तैनात पुलिस कर्मियों को बीच बचाव करते हुए देखा जा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के छात्रों को लाठी लेकर पीछे दौड़ते वे पुलिस वर्दी में तैनात लोगों को उन्हें वापस प्रशासनिक भवन भेजते हुए देखा गया है। पुलिस ने फिलहाल 6-7 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। जांच जारी है। देखिए, वो आगे कुछ तसंसी में बाहर के छात्र थे विश्वविद्यालय के, उन्हें उनका मेन मोटिव नहीं मिला, जो उन्हें पीटना था तो उन्होंने लगा कि ये कमजोर बालक है, इन्हें पीट लो। इन्हें आके वो तसन में आके इन पे जो है गोली गोली चला के चले गए। क्या मामला? संजय भाई, कौन नाम बताओ? अच्छा चौधरी, अमित चौधरी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में करने क्या गए थे? ये तो पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। कितने लड़के बैठा रखे? 10-12 है। अच्छा, ये वो वैसे मेरी बात ये इंस्पेक्टर साहब से 10-12 मामले में नहीं है, इंस्पेक्टर साहब से बात हो जाने थे। उनके बाद जो सलाह मशवरा करना है कि जहाँ जी हमारा ये छात्रों के साथ आए। इस बारे में एसपी सिटी पीयूष सिंह ने मीडिया को यह जानकारी दी। थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज दोपहर छात्रों के दो गुटों के बीच में मारपीट कहासुनी वाद विवाद हो गया था। इसमें एक छात्र के द्वारा फायरिंग करने की भी सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची और मौके से ही 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।